एक्चुअली मुझे सुबह से समय नहीं मिला। सो हेलो गाइज, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं मानसी और अभी मैं जा रही हूं इसके पीछे पीछे, मैं नहीं जा रही हूं, जबरदस्ती मुझे उठा के लेके जा रही है ये लड़की। क्या क्या करने के लिए लेके जा रही है? कुछ अच्छा खिलाने। कोई मुझे बोल रहा था कि मेरे दांत में जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो गुपचुप की वजह से हो रहा है। आई डोंट नो, बट मैं 10 रुपए से ज्यादा कभी गुपचुप खाती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि गुपचुप से मेरा दांत खराब हो सकता है। खैर मैं नहीं खाऊंगी, ये खाएगी गुपचुप, उसके मैं एक वो मैं खा लूंगी, ज्यादा नहीं। देखो बस एक एक वो करके मैनेज कर सकती हूँ। और आज ना मुझे पता नहीं सुबह से क्या हो रहा था, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं एक दिन रेस्ट ले लेंगे। लेकिन अब क्या होता है ना, ब्लॉग के साथ एंड कैमरे के साथ मेरा ऐसा वाला दोस्ती हो गया कि जिस दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, उस दिन लगता है क्या कि मतलब जाके सो जाऊँ उससे अच्छा। क्योंकि अगर मान लो आज वीडियो नहीं बनाती तो एडिट करने का नहीं होता, और इतना सारा समय बचा होता मेरे पास कि उससे अच्छा है कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, मतलब कम से कम इसी बहाने तो एक्टिव तो रहूँगी। चलो बकवास मेरा सुन लिया आप लोग, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ यहाँ? ब्लैक सा। अच्छा ये है ना, अच्छा ये लड़की अभी शॉपिंग करने लग गई। बताओ कहाँ गुपचुप खाने जा रही थी? पढ़ाई लिखाई डन हो चुका है और क्या बोल, हाँ इस गली में मैं इसलिए जा रही हूँ, पहले गाड़ी जाना तो फिर बताऊंगी, पता नहीं ये गाड़ी को क्यों नहीं आना होता मेरे ब्लॉग में। हाँ इस गली में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, काम कुछ थोड़ा पर्सनल है, तो ऐसे क्या बताऊँ, तो कुछ काम है, उसके बाद जाऊंगी मैं खलीफाबाग, क्योंकि खलीफाबाग में गुड़िया क्रीम वगैरह लेने के लिए बोली है, उसको जाने के लिए साथ में मैं बोली तो वो नहीं आई, लेकिन काम अपना काम करने के लिए भेज दिए, तो बस चलो चलते हैं और आप लोगों को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ वापस से खलीफाबाग। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा क्योंकि 6 पूजा है और अभी तक मेरा कोई भी कपड़ा डिसाइड नहीं हुआ, तो देखती हूँ कुछ ज्वेलरी वगैरह होता ना वो ब्लैक वाला चोकर्स लाइक वैसा कुछ ले लूँगी, एक कुर्ती है उस पर मैच करके। देखो हुआ क्या था, मेरी एक फ्रेंड है वो कहीं जा रही है, ठीक है, तो वो ना मेरे से कुछ पैसा ली थी, तो उसको हमको रिटर्न करना था, बट उसके पास ऑनलाइन ऑप्शन नहीं था और अचानक से प्लान बन गया उसका चले जाने का, तो वो ना यहाँ पे किसी दुकान में देखे गई है और उनको मेरा फ़ोटो दिखा के गई है और मुझे उस दुकान का फ़ोटो भेजी है, तो अभी जाके मुझे उन पहले तो दुकान ढूँढना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपना शक्ल पहचानवाना पड़ेगा। देखो ना इधर ही होगा ये वाला सर, हाँ ये 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 पूरा अंकल एकदम छुट्टा बना के दे दिए, तो चलो एक काम तो हो गया इधर आके और चलो दूसरा काम करते हैं। पैसा कलेक्ट कर रही हूँ मैं, बहुत पैसे वाली हूँ, ऐसा कोई बात नहीं यार, पैसा ही तो नहीं है बस, सब कुछ है ज़िंदगी में, सब कुछ है, गम खुशी सब है, बट पैसा ही नहीं है। देखो जाम किसके वजह से लगा है, क्या बोले गौ माता। तो मैं घर आ गई हूँ और आज कुछ वैसा हुआ नहीं जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, पता नहीं आज का व्लॉग कैसा बनने वाला है, तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ चाय, या मेरा चाय बन रहा है, मम्मी का रोटी बन रहा है, उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं पकौड़ी, वो जो दाल वाला वो मिक्स दाल वाला याद है आप लोगों को, मैं उस दिन चिल्ले बनाई थी उसी का मम्मी आज पीस के कचरी बनाने का सोचिए, तो आज नहीं बोलती यहाँ तो बाबा नहीं बोलता है, अच्छा तो उसका पकौड़ी बनाने वाले हैं, तो जल्द जल्दी जल्दी से चाय बनाते हैं और कुछ खा पी के फिर पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी मैं। घर साफ करना, अच्छा घर भी साफ करना ना, पता है वो नीचे वाला रूम तो कल मैं साफ करने में मेरा पूरा समय गया, आज ऊपर वाला रूम साफ करना होगा क्योंकि ऊपर वाला रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया, और पूजा है दुर्गा पूजा, मम्मी झाड़ू नहीं लगा पाती है, बताओ रूम गंदा मेरा है और हेडेक मम्मी लेके रखती है कि मुझे ही साफ करना पड़ेगा, कहा है मम्मी इतना टेंशन कहा लेते हैं आप, मार देंगे। अच्छा नहीं मारेगा, मम्मी भी थोड़े गुस्से में, गर्मी से परेशान है बेचारी। अभी पता है मुझे कुछ याद आया, ऐसे पनीर का जब सब्जी बनता है ना, जब ऐसे पनीर का सब्जी बनता है तब तो पनीर बचने का कोई चांसेस नहीं होता, लेकिन अगर पनीर का मैं कुछ बनाती हूँ पेस्ट जैसे पिज्जा हो गया या कभी भी कुछ, तो उसमें मैं थोड़ा सा पनीर बचा लेती हूँ, ठीक है, और ये बचने से मतलब रखने से 2 दिन हो चुका है, तो इसको देख के मुझे मन कर रहा है वो बनाने का, पराठा के बीच में डाल के बनाते हैं ना पिज्जा, क्या बोलते उसको, पनीर एंड चीज वाला, तो वो बनाऊंगी और शाम का नाश्ता भी मेरा अच्छा खासा हो जाएगा। तो मेरे चाय चढ़ा हुआ दूध अभी तक नहीं आया, मम्मी नहीं लाया, सकते मैं ही लेके आती हूँ, तो चलो आप लोग मेरे साथ मेरी दुकान और दूध लेके आते हैं। चाय भी बस होने को है और इधर कढ़ाई मम्मी चढ़ा दी है क्योंकि पकौड़ी मेरे को भी बनाना है, कहाँ रख दिए यार,
यहाँ है। तो चलो पकौड़ी भी मैं बना लेती हूँ और इधर मेरा पनीर ग्रेट हो गया है। ये इतना लाइट क्यों हो रहा है, एक मिनट रुको। इधर मेरा पनीर ग्रेट हो गया और यहाँ चीज़ है, दोनों में डिफरेंस तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। खैर चाय लीजिए, चाय 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 कम वाला नहीं, ठीक था। हाँ ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, दादी को वाला दे दो, बोले दादी को दो। पापा चाय, पापा चाय लीजिए। आप लोगों के पूछने से पहले मैं रेसिपी दे देती हूँ। चलो तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले पनीर एंड चीज़ का जो वो मैं ग्रेट करके रखी थी उसमें डालना है मैगी मसाला और साथ ही में थोड़ा सा नमक मिर्ची, और बस इतना सा काफ़ी है। और अगर चाहते हो तो हरे मिर्च को भी कट करके डाल दो और स्टफ़ करके इस तरह से सेक लो दोनों साइड से। मेरा थोड़ा मोटा हो गया था, काफ़ी टेस्टी बना था। सो यार ट्राई करो ज़रूर करना और करके मुझे बता देना, अच्छा लगेगा यार मुझे भी। पता नहीं कौन से नशे में रहती हूँ यार मैं। बताओ भाई, एक पराठा और एक लोग यहाँ एक। सो दिस इज़ द बिफोर एंड अब देखो, एंड दिस इज़ द आफ्टर। तो बस वो कूड़ा कूड़ा नहीं है एक्चुअली में, उसमें सारा मेरा पेपर्स है कुछ इम्पोर्टेंट, और इधर भी ये टेबल देख रहे हो, और ये जब तक ये टेबल में पेंट नहीं होगा तब तक इसको नीचे लेके नहीं जा सकते। तो फिलहाल के लिए इसमें भी बहुत सारा कील वगैरह लगा हुआ, तो इसको साइड करती हूँ, रूम में ऐसे भी कोई नहीं आता। तो चलो बस हो गया। तो मम्मी को आया है मेरे पे प्यार, देखो खाना निकाल के क्या कहते हैं हमको बुलाने के लिए आई है। तो यहाँ मैं पेंटिंग कर रही थी जो कि आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। चलो फिर खाना पीना खाते, देखते खाने पे क्या। देखो ना पेंटिंग करने में क्या होता है, पूरा फोन में मेरा ये लग चुका है। तो चलते हैं ऊपर और खाना पीना खाते हैं। डिनर डन, बर्तन भी डन, उसके बाद लास्ट में दूध भी डन, और इसके बाद मैंने किया था ब्रश वो भी डन डन डना डन। आज लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरे फ़ोन में अपडेट हुआ है तो सेटिंग वापस से करना पड़ेगा। तो देखो यही वाला पेंटिंग मैं कर रही थी, मतलब वही है जो पुराना था। तो ये इतना सारा हो चुका है, अब होप्स हो कि इसमें जितना भी डिटेलिंग है वो मैं आज ऐड कर दूँ और कल से कलर स्टार्ट कर दूँ। तो कलर होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ये आउटलाइन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जा रही मैं इसको करूँगी और आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना। ओके बाय, मिलती हूँ अगले दिन। हाँ जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।